हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं करेले की सब्ज़ी। देखिए, मैं बिल्कुल ही सिंपल तरीके से करेले की सब्ज़ी की रेसिपी आपको बताऊंगी, जो बिल्कुल भी खाने में कड़वी नहीं लगेगी। और ये देखिए, मैंने ये एक पाव 250 ग्राम करेली ले ली है, जिसमें मैंने ये बाकी कटिंग कर ली है। मैं ये आपको ये इसलिए मैंने रखा है कि मैं आपको बताऊँगी इसकी कटिंग कैसे करनी है। ये मैंने 4 मीडियम साइज़ के आलू ले लिए हैं, लगभग जितनी करेली है उतना ही आलू भी है। और ये 2 बड़े साइज़ की प्याज, देखिए आलू प्याज और करेली का रेशियो सेम है। ये मैंने हरी मिर्च ले ली है, 5-6 हरी मिर्च मैंने ली है। आप हरी मिर्च अगर कम खाते हैं तो आप इसको कम भी कर सकते हैं। ये मैंने कुछ मेथी के दाने लिए हैं और ये नमक है। ये इसके सारी इंग्रेडिएंट्स हो गए हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये करेली मैंने कैसे काटी है। ये देखिए, ये मैंने करेली जो ली है इसको मैंने ऐसे हम बीच में से इसको काट लेंगे। अब अगर इसमें आपको लग रहा है कि बीज कड़े हैं तो आप इस बीज को निकाल भी सकते हैं। ये इसको आप इस बीज को अगर आपको बीज कड़े लग रहे हैं तो आप इस तरह से इसके बीज को आप निकाल दीजिए। वैसे इस करेली में ये बीज ज़्यादा कड़े नहीं हैं तो इसलिए मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। फिर हम इसको, ये आधी जो मैंने करेली इस तरह से काटी है, इसको मैं देखिए ऐसे करके इस तरह से इसके टुकड़े कर लेंगे। देखिए देखिए, इसके टुकड़े इस तरह से आएंगे। ये बीज में से काटने से क्या होता है, एक तो हमें पता चल जाता है कि इसके अंदर बीज कैसा है और करेली अंदर से ख़राब तो नहीं है। अगर करेली ऐसे आपको बीज कड़े लग रहे हैं तो आप इसके बीज निकाल के फिर आप इस तरह से इसकी कटिंग कर लीजिए, नहीं तो आप इसका अगर बीज सही है तो आप इसकी इसी तरह से कटिंग करते जाइए। यहाँ देखिए, मैंने ये सारी करेली काट ली है और देखिए जिन करेली के बीज कड़े थे अंदर से वो मैंने निकाल दिया था। और अब यहाँ मैंने कढ़ाई रख दी है गैस पे, जिसमें अब मैं ऑयल डालूँगी। करेली की सब्ज़ी में ऑयल थोड़ा ज़्यादा लगता है क्योंकि इसमें प्याज और करेली को मतलब अच्छे से फ्राई होने के लिए थोड़ा ज़्यादा ऑयल में बनती है, तभी ये सब्ज़ी थोड़ी अच्छी बनती है। ये मैंने लगभग 3 बड़े चम्मच इसमें तेल डाल दिया है। यहाँ देखिए, तेल गर्म हो चुका है और अब इसमें मैं ये मेथी के दाने डाल दूँगी। और ये मैं इसमें हरी मिर्च डाल दूँ। अब मैं इसमें ये प्याज डाल देती हूँ। ये प्याज को इस तरह से हम इसका हल्का कलर चेंज होने तक इसको फ्राई कर लेंगे। बस हल्का सा इसका कलर चेंज होना है। यहाँ देखिए, प्याज का कलर अब हल्का हल्का सा चेंज होने लगा है। हमें इसे बहुत लाल नहीं करना है। अब मैं इसमें, मैंने थोड़ी सी हल्दी ली है। हल्दी से क्या होता है, कलर बहुत अच्छा आ जाता है। ये बहुत ज़रा सी हल्दी है, ये मैं इस प्याज में हल्दी डाल देती हूँ और इसको मैं इसमें मिक्स कर दूँगी। और अब इस प्याज में मैं ये आलू डाल देती हूँ। आलू डाल के 1 मिनट के लिए हम आलू को भी इस तरह से हल्का सा प्याज के साथ फ्राई कर लेंगे। ये सारा प्रोसेस जो मैं आपको बता रही हूँ, ये मैंने हाई मीडियम पे कर रखा है। मैंने गैस को बहुत कम नहीं किया है और एकदम फुल भी नहीं है, ये हाई मीडियम फ्लेम पे है। ये आलू को हल्का सा फ्राई करने से क्या होता है कि आलू जो है वो अलग अलग सा रहता है सब्ज़ी में, वो चिपके चिपके से नहीं रहते हैं। देखिए, अब आलू का भी कलर हल्का हल्का सा चेंज हो गया है। ये अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं प्याज के साथ। और अब हम इसमें करेली डाल देंगे। अब ये मैं इसमें नमक डाल देती हूँ। ये मैंने 1 चम्मच इसमें नमक डाल दिया है और ये मैं इसमें 1/2 चम्मच नमक और डालती हूँ। अगर आप नॉर्मल 1 जो चम्मच से नमक डाल रहे हैं तो 1 चम्मच नमक आप डालिए,
बाद में आप हल्का सा टेस्ट करके देख लीजिएगा, अगर आपको नमक कम या ज़्यादा कम लगता है तो आप थोड़ा सा और डाल सकते हैं, ज़्यादा तो नहीं होगा, 1 चम्मच नमक। अब मैं यहाँ पे गैस का फ्लेम एकदम स्लो कर दिया है मैंने, सिम पे कर दी मैंने गैस। अच्छे से मैंने नमक के साथ करेली को मिक्स कर दिया है सब्जी को, और अब इसे मैं ढक दूंगी। मैंने अभी सब्ज़ी को ढक दिया है, मैंने गैस का फ्लेम एकदम सिम कर दिया है, एकदम कम कर दिया है, और अब मैं 4 मिनट बाद आके इसको फिर से एक बार चेक करूंगी। ये देखिए 4 से 5 मिनट हो गया, और अब मैं अपनी सब्ज़ी को चेक करने के लिए इसको वापस से इसका ढक्कन खोल के मैं देख रही हूँ। एक बार मैंने इसे अच्छी तरह से पूरा चला दिया है नीचे से, जिससे कि ये नीचे लगे नहीं, और अब मैं इसे वापस से ढक देती हूँ। यहाँ पे 4 मिनट हो गया है, और फिर से मैं ये ढक्कन इसका हटा के देखूंगी। ये बार बार चलाते रहना चाहिए, नहीं तो क्या होता है कि नीचे की सब्जी जो होती है वो जलने लगेगी, से पक जाएगी कढ़ाई में। नीचे हल्की हल्की सी सब्जी का कलर चेंज हो रहा था, ये हल्की सी फ्राई, ये सब्जी थोड़ी फ्राई ही अच्छी लगती है। अब गैस का फ्लेम मैंने मीडियम कर दिया है। यहाँ देखिए अब हमारी सब्जी ये गल चुकी है पूरी तरह से। देखिए ये इसका, ये देखिए आलू कितना इजली कट गया, और ये देखिए ये करेली, ये देखिए। अब आप इसको मीडियम फ्लेम पे करके हल्का सा इसको फ्राई कर लीजिए। एक बार आप इस तरह से इस करेले की सब्ज़ी बनाएंगे ना, तो जो करेले की सब्ज़ी नहीं खाता होगा उसे भी बहुत पसंद आएगी। ये बिल्कुल भी कड़वी नहीं लगेगी इस तरह से, बिना मसालों के ये सब्ज़ी बहुत ही अच्छी लगती है। आप एक बार ज़रूर ये रेसिपी ट्राई करें। देखिए ये सब्ज़ी हमारी पूरी लगभग बन चुकी है। आप हाथ से आलू और करेली को एक बार हल्का सा दबा के देख लीजिएगा कि ये अच्छी तरह से गल गई है या नहीं। अगर गल गई है तो बस फिर आप मीडियम फ्लेम पे या लो फ्लेम पे करके हल्का सा इसको फ्राई कर लीजिएगा, और बस ये सब्ज़ी बन के रेडी है। मैंने अभी वही किया है, इसमें आलू और करेली जो है वो अच्छी तरह से गल चुकी है, इसलिए मैंने अभी मीडियम फ्लेम पे इसको हल्का सा सब्ज़ी को फ्राई करने के लिए रखा हुआ है। इसमें हम ढकेंगे नहीं सब्ज़ी को, सब्ज़ी खुली रहेगी। ये देखिए सब्ज़ी अब पूरी तरह से अच्छे से फ्राई हो चुकी है, इसका कलर बिल्कुल बदल गया है, देखने में ही सब्ज़ी बहुत अच्छी लग रही है। और अब मैं यहाँ पर गैस बंद कर देती हूँ, और ये हमारी सब्ज़ी अब बन के बिल्कुल तैयार है सर्व करने के लिए। इसको मैं सर्विंग बोल में निकाल लेती हूँ। ये देखिए हमारी सब्ज़ी यहाँ बन के रेडी हो गई है, मैंने सर्विंग बोल में इसे निकाल लिया है। देखिए कितनी देखने में बेहतरीन लग रही है, इसका कलर कितना ही सुंदर आया है। जो लोग करेले की सब्ज़ी नहीं खाते हैं ना, एक बार आप इस तरह से बना के देखिए, उन्हें भी ये सब्ज़ी बहुत पसंद आएगी। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो आप इस मेरे वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं ऐसे ही और भी वीडियोस आपके साथ, और भी रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करती रहूँगी। थैंक यू।